जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल्कुल मेरा नाम ईशा मुमताज है और आप जानते हैं मैं प्रोग्राम करता हूं हम और आपसे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मेरी जो पिछले दो प्रोग्राम्स हुए वो कोरोना वायरस के ऊपर हुए और मैंने बात की जनाब डॉक्टर दिशान कैसर साहब के साथ जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर और साइंटिस्ट साथ साथ उनसे हमने बात की, बड़ी उन्होंने प्यारी बातें की थी हमारे साथ। दूसरा मैंने एक प्रोग्राम किया था अख्तर कमाल साहब के साथ क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेडिटेट करते हैं, वो आपको माइंड साइंसेस के हवाले से बताया उन्होंने। और जो तीसरा आज का हमारा प्रोग्राम है वो जनाब रेंशे दानिश खान साहब के साथ है, इसी कोरोना वायरस के ऊपर। डेफिनेटली जो आजकल हमारा एक मेन टॉपिक बना हुआ है जो कि एक बीमारी से ज़्यादा नफसियाती मसला हुआ है मेरे नज़दीक कि हर बंदा एक नफसियाती मसले का शिकार हुआ है इसको लेके, तो इसके प्रिवेंशन और इसके दूसरी तीसरी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। हमने दो प्रोग्राम तो कर लिए थे, तीसरा हमारा रेंशे दानिश खान साहब के साथ है क्योंकि ये एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के नंबर वन मार्शल आर्टिस्ट, ओकिनावा जहाँ से कराटे की बुनियाद रखी गई वहाँ पे भी इन्होंने जाके पाकिस्तान का झंडा लहराया, एक बहुत बड़ी फख्र की बात होती है। और इनसे हम पूछेंगे, इनसे हम काफ़ी सारी चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे इनका कोरोना वायरस के ऊपर क्या एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने कैसा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम ऊषा मुमताज़ साहब। असल में देखें ये जो मुश्किल हालात हैं हमारे ऊपर, ये पूरी दुनिया के अंदर इसको कैप्चर किया हुआ है कोरोना वायरस ने। अच्छा देखें, अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, ये डिपेंड करता है अपनी नेशन के ऊपर। आज मुझे दो तीन पहले जो एक न्यूज़ मिली कि ओकिनावा जो एक आइलैंड है जहाँ कराटे पैदा हुई है वहाँ पर अभी अभी रिसेंटली जो है ना ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है। जैसे ही वहाँ फैलना शुरू हुआ है देखें वहाँ पर वहाँ की आवाम को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ की फोर्सेस ने डंडे नहीं बरसाए, बल्कि वहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से हर शख्स अपने घर में खुद अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को घर में जो है उसने कैद कर लिया और अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ों के लिए बहुत आराम से और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है अपनी जो सामान ख़रीदना है वो दुकान भी खुली और लोग अपने आप से एहतियात कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर मैं ये देख रहा हूँ इसको पैनिक बनाया जा रहा है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कोरोना वायरस को लेके। नहीं पता कि ये केमिकल वॉर है, नहीं पता कि वाकई ये अल्लाह ताला की एक आजमाइश है, लेकिन दोनों सूरतों में आज पाकिस्तानियों को ये फैसला करना चाहिए कि एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, एक दूसरे का साथ देना है और इन मुश्किल हालात में एक दूसरे का हाथ बनना है, बाजू बनना है। ना कि आप देखें अजीब अजीब न्यूज़ें आ रही हैं कि डंडों से पिटाई लगा दी, मस्जिदों में घुस के पुलिस वाले मार रहे हैं और लोगों को मना किया जाए तो वो भी बाहर निकल के जिद पकड़ी हुई है। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो नेशन है उनकी तरबियत किस तरह हुई हुई है। अच्छा दाई साहब, थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्योंकि ये एक बड़ी खतरनाक सी वबा है, इसमें हर डॉक्टर हर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, हर बंदा ये कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, मीडिया कह रही है कि आप विटामिन सी को आप इनटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, तो आपके नज़दीक आप क्या कहते हैं इस बारे में कि हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल करनी चाहिए? और साथ ही साथ हम आपकी वो क्लिप भी साथ में लगाएंगे जो कि आपने डेफिनेटली एक पूरा एक बना के एक्सरसाइज का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के हवाले से जो आपने हमारे साथ शेयर किया है, तो वो भी हम इसमें लगाएंगे। और थोड़ा सा बताइएगा हमें कि एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल और प्रिवेंशन के हवाले से प्लीज़। जी ऊषा मुमताज़ साहब, देखें सिंपली मैं इसका जवाब आपको मुख्तसर दूंगा, लाइफ स्टाइल अगर आप अपना बेहतर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात आपके ठीक हो जाएंगे। देखें आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सदी पहले ये बात बता दी कि किसी भी किस्म की वबाई जो बीमारी है या वायरसेस हैं कोई भी हो, उसके लिए कुरान पाक की जो है वो दुआएँ बता दी, उसके लिए एक बड़ी अच्छी एहतियाती तदाबीर बताई कि जिसको ये वायरस कहीं हो, जिसको जहाँ जो जहाँ मौजूद है वो वहीं रहे, अपनी मकल ये जो हम जो ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं वो ना करें। जब हमें ये बता दिया कि आपने जो है ट्रैवलिंग नहीं करनी, जो जहाँ है वो वहीं पे अपने आप को सेफ कर ले, तो ये सबसे अच्छी एहतियाती तदाबीर हमें मिल गई। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का आना भी है, लोगों का जाना भी है, आई डोंट नो कि जो है इस पे सिक्योरिटी जो है वो आज आवाम के ऊपर तो बहुत सिक्योरिटी सख्त की हुई है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं उनको कोई चेक इन बैलेंस नहीं करता। अच्छा सेकेंडली ये है कि देखें इसकी एहतियाती तदाबीर सबसे पहले तो ये है कि आप लोग ये गले मिलना, हाथ मिलाना, अपनी जो ये सांस है ये दूसरे तक मुंतकिल यानी कि हम करीब होकर किसी से बात ना करें,
साथ में ये कि हमने स्टीम भी लेनी है, जो हम भाप लेते हैं उससे हमारे जो यहाँ पे पोर्स हैं जिसके ज़रिए से वायरसेस जो हैं वो अंदर मुंतकिल हो सकते हैं, तो वो भी हमारे जो हैं इससे जो है वो काफ़ी हद तक हमें बेहतरी मिलेगी। हमारे यहाँ पे जो कफ वायरस की वजह से जो कफ पैदा होता है जिससे हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, तो वो भी हमें जो है वो स्टीम लेने से बहुत फ़ायदा हुआ। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठें तो आप 10 सेकेंड आप जो है वो डीप ब्रीथ लिया करें, उसको रोका करें। तो अगर आपका दम घुटे और आपके चक्कर आए, आपको तबीयत ख़राब होने लगे, इट्स मीन कि आपके अंदर वो वायरसेस काम कर गई है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली इसको जो आप ले सकते हैं कि देखिए आपका जो लाइफ स्टाइल है, आज अचानक से लोगों को ये ख्याल आ रहा है, शायद आप ये बात सुन के लोग बोलेंगे यार कि अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है, मुश्किल वक्त है, ट्रेनिंग पर लगा दिया, किस किस्म के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये इंटरव्यू इतना फ्रूटफुल है कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक अलार्मिंग एक जो है ना प्रोग्राम है लोगों के लिए कि अब आप समझ जाएं कि हम लोगों ने जो गलती की थी वो क्या की थी। हमने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ तोड़ा था, नमाज़ों की और कुरान की तलावत और जो दुआएं पढ़ने का जो तमाम हमारा था वो हमने ख़त्म किया था, जो आज आज हमें फेस करना पड़ रहा है। हमने जंक फूड को लेना शुरू किया था, हमने तमाम किस्म के वो फूड खाना शुरू किए जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं थे। तो इसमें हमें सबसे बड़ा नुकसान हमें जो हुआ वो तो हुआ, आज इस वायरस की वजह से कम से कम हम अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच पा रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं। तो हमें जो कुरान की आयतें पढ़नी है वो भी हमें काम करना है, और साथ में हमने इस एहतियाती तदबीर के साथ हमने अपनी डाइट प्लान को बहुत अहतमाम करना है। ट्रेनिंग तो कोई आज की एक दिन की बात नहीं है, ये आप पूरा लाइफ टाइम जो हमने ज़ाया की अपनी, वो हमें इसको लीड करना चाहिए था, हमें इसको ओन करना चाहिए था कि हम अपनी ट्रेनिंग जो हमारी लाइफ स्टाइल था उसमें शामिल होना चाहिए था कि ट्रेनिंग मस्ट होती, लेकिन हमने इसको जो है वो एक कैजुअल ले लिया, या तो हमने इसको पार्टीज़ के लिए जाने के लिए या किसी इवेंट में जाने के लिए अपने आप को मेंटेन कर लिया, लाइफस्टाइल नहीं बनाया। तो आइंदा हमें इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। अब चूंकि लाइफस्टाइल बनाने की बात आ गई, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो ट्रेनिंग्स हैं उसके बारे में हम आई थिंक के बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें आपकी जो डाइट प्लान है, देखिए आप अपने खाने के दरमियान बिलखसूस आप इसके अंदर जो रात का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, इसमें आप इंजीर का इस्तेमाल करें। एटलीस्ट 3 से 4 इंजीरें खाएं, वो आपके खाने को हज़म भी करेगा, और साथ साथ आप जो है जो आप खाना खाएंगे हाजमे के साथ वो आपके इम्यून सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट होगा। सेकेंड ये सुबह आप रात को आप सोने से पहले गर्म पानी में जौ का जो दलिया होता है वो आप पानी में डाल दें, गर्म पानी में उबले हुए पानी में। सुबह जब आप उठेंगे तो वो पानी ऑब्वियसली जो है वो ठंडा हो चुका होगा, वो पानी जहाँ तक हो सके तो आप पानी नहा मुँह पी लें। फिर आप उस दलिए को जो आप जौ का दलिया हम जिसे कह रहे हैं उसमें आप शहद डालें, और शहद डाल के उसको आप नाश्ते के अंदर साथ में खाएँ, ऑरेंज जूस पिएं, और ये सब चीज़ें आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है। और आप के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ते आए, कमोबेश मफहूम मैं इसका बयान कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक जाया करते थे दिन भर की मेहनत की वजह से, तो जब फरिश्ते आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ये पैगाम पहुँचाया है। तो वो जौ के दलिए का इस्तेमाल था, तो जौ का दलिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, उसके इम्यून सिस्टम के लिए, उसके हाजमे के लिए, यह हमें आज से शुरू करना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई, शहद हो गया, जौ का दलिया हो गया, इंजीर हो गया, ये इतनी महंगी नहीं है, तो इसको हम इजीली हम जो है बाय कर सकते हैं कहीं से भी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं, ऐसी दुकानें हैं, और मूँगफली वाले होते हैं उनके पास तो बहुत अच्छी मकदार में होती है, अच्छी क्वालिटी में होती है, तो उसका इस्तेमाल हम करें तो बहुत बेहतर इफ़ेक्ट आएंगे इसके अंदर। और फैट्स, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट्स और ये तमाम जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल बॉडी के अंदर आप लेके आएँ, तो इंशाल्लाह इम्यून सिस्टम आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये वायरसेस याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर इफ़ेक्ट कर रहा है जो लोग एहतियात नहीं कर रहे, डायरेक्टली इफेक्टेड बंदे के पास इफेक्टेड होने के बाद वो अपने मुंह में हाथ लगा रहे हैं या किसी चीज़ से उनको उनके मुंह तक जा रहा है, या उनका इम्यून सिस्टम वीक है। तो अपने इम्यून सिस्टम को वीक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतर ये कि हम ऐसी एहतियाती तदाबीर को जो है एहतियात करें और उसका इस्तेमाल करें जो हमें कहा गया है। जी बिल्कुल दानिश साहब, एक बात और बड़े मज़े की है जो कि बड़े प्राउड बात है हमारे लिए कि इस ऐसे मुश्किल वक्त में, बल्कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारी सारी एजेंसीज, हमारी आर्मी, रेंजर्स और सिंध पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक साथ होकर एक पेज पे आके जो है वो आवाम के लिए काम करना शुरू कर देती है। तो इनके हवाले से थोड़ा सा जो है ये किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करें, क्योंकि रोडों पे खड़े होना, हजारों लोगों को रोज की बुनियाद पे डील करना, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा प्लीज। जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी इंडिया की थी गालिबन,
मुसलमान नमाज़ पढ़ के बाहर निकल लें। कोई पुलिस वाला जो है वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हुआ और बाहर वेट कर रहे थे। जब वो नमाजी बाहर निकल के आते थे तो उनको एक डंडा मार के भेज दिया करते थे। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि आपने जो सज़ा देनी है वो सज़ा खाली इतनी है कि आपने भाई कहना क्यों नहीं माना, आपने एहतियात क्यों नहीं की, आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरा है। फोर्स इसमें जो है वो परेशान है, अपनी मेहनत भी कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी तमाम फोर्सेस अपना हक अदा कर रही हैं, अपनी मेहनत कर रही हैं, मगर ये डंडे बरसा रहे हैं, मस्जिद में घुस के नमाजियों को मार रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि हम मुसलमान भी हैं और हम मुसलमान होने के साथ आप देखें मस्जिदों पर इतना ज़्यादा खास फोकस किया हुआ है और इंडिया से इनके अंदर मंदिर खुले हुए हैं। आई थिंक आपने ये न्यूज़ सुनी हो मेरे ख्याल से। तो एक तो ये कि आप कंपेरिज़म खुद क्रिएट कर रहे हैं, आप ये जो फ़र्क है ये महसूस करवा रहे हैं ख़ुद को। ये तमाम जो इदारे हैं, ये तमाम जो इबादत हैं, चाहे वो हिंदुओं की हों, चाहे वो क्रिश्चियंस की हों, चाहे वो मुसलमान की हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले की हों, उन सब की इबादत गाहों को इसलिए बंद किया गया है कि ताकि वहाँ पर लोग एक साथ मिलजुल के नमाज या कोई इबादत ना करें जिससे ये वायरस उनको मौत की तरफ ले जाए। तो ये सिर्फ एहतियात करने की बात है, ना कि ये किसी और कानून को लागू करने की बात है, अगर मैं जहाँ तक बात समझ रहा हूँ। बाकी ये कि देखिए मेरे जहन में एक बात ये आती है कि हम अपने घर में रहकर बहुत सारे काम कर सकते थे। मुझे नहीं समझ में आता कि हमारी हुकूमत एजुकेट तो होती है लेकिन इस एजुकेशन के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत आसान चीज़ों को भी जो है वो टैकल नहीं कर पाती। आपके पास जो है वो बाइकर्स हैं, आप बाइक पे आते हैं, आप फूड मंगवाते हैं अपने घर में, उन्हीं लोगों की आज देखें कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि वो उनको जो है खाने के लिए उनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं है, वो अपनी रोज़ उनकी रोज़ की जो है एक आमदनी थी, रोज़ कमाते थे, रोज़ वो खाते थे, आज उनका कोई आमदनी का वो ही नहीं है, सब बंद कर दिया, शहर क्या मुल्क बंद कर दिया। तो उनको यूटिलाइज़ करें, वो लोग मौजूद हैं। हम नहीं कहते फोर्स वालों को कि वो बाइकों पर आगे लोगों को राशन दें, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी उन्हीं का यूज़ करें, उन्हीं को यूटिलाइज़ करें, उनका भी घर चलेगा, वो भी अपनी एक मेहनत जो कर रहे हैं हलाल का माना चाहते हैं, उनका रोज़गार भी कैरी ऑन रहेगा। आप उसके अंदर उसको अमल दखल आप करके कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप उनकी हेल्प भी नहीं करना चाहते तो आप उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है आप कुछ उन पर बोझ भी नहीं डाल दें, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें, वो घर पर राशन भी पहुँचाएंगे। आप एक सिस्टम क्रिएट करते, आप लोगों को जो है वो घर पे राशन पहुँचवा सकते हैं, आप एक पैकेज बना दें भाई कि इतने सारी चीज़ों में सब्ज़ी फ्रूट इतना से मिलेगा और राशन खाना पीना जो करना है आपको वो इतना मिल जाएगा, आपके घर बैठे आपको मिल जाएगा। ये लोग जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं बाइकों पे, अब तक आपको पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर रहे होते थे, ये लोग क्या नहीं कर सकते क्या ये काम? कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो करेंगे ना। अब लाखों रुपये का जो है फ़ंड आ गया और वो गरीबों के अंदर बढ़ गया, किसी गरीब को पता ही नहीं है। तो अब आप देख लें कि आवाम फिर किस तरफ जाएगी, और जितनी फोर्स है और ये फोर्स जितनी भी हैं ये सब जो हैं अपनी मेहनत कर रही हैं। लेकिन देखें इन तमाम मेहनतों के बाद अगर आपके मसाइल वही रहेंगे तो इन मेहनतों का मतलब ये निकलता है कि ज़ाया हुई है मेहनत, इसकी डायरेक्शन सही नहीं है। आवाम को आप अगर घर में भूखा रखेंगे, आवाम के पास वसाइल नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वो क्या करेगी आप ये बताएं? क्या वो घर से बाहर नहीं निकलेगी? फिर आप डंडे लेके बैठ जाएं और फिर उसको मार कुटाई शुरू कर दें और आप इस किस्म की मार कुटाई करें कि मतलब चार चार पाँच पाँच लोग मिलकर एक को मार रहे हो, तो आप क्या दहशत फैला रहे हैं या आप कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहे हैं? आखिर ये कौन सा मुकाबला है? मेरी तो समझते भाव है, मैं नहीं समझता कि ये मुकाबला हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि इस वायरस की वजह से हम आपस में, हम कौम आपस में ना लड़ जाए, तो सोचें इस बारे में। अच्छा दानिश साहब, एक एक बड़ी जो ट्रेंड चला हुआ है, मसला चला हुआ हमारे मुल्क में खास तौर पे, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं बना हुआ हमारे यहाँ अफसोस के साथ, और सिस्टम ना सिस्टम के नहीं होने से हमारी जो हमें जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग शायद कोरोना से तो बाद में मरें लेकिन जो भूख से है वो पहले मर जाएं। अब क्योंकि बहुत हमारे मुल्क में जो 50% से ज़्यादा लोग हैं वो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, डेली वेजेस समराज सिर्फ डेली वेजेस ये नहीं होता जो बंदा फैक्ट्री में जाता है वही डेली वेजेस पर काम कर रहा है, बल्कि डेली वेजेस समराज ये भी होता है कि जो लोग फूड स्ट्रीट पर एक ढाबा लगाए खड़े हैं या कोई फूड कॉर्नर पर खड़े हैं, तो ये भी डेली वेजेस है, भले वो उनका अपना बिजनेस क्यों ना हो बट रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके एक्सपेंसेस होते हैं उनके, तो डेली वेजेस वाले लोग वो बेचारे क्या क्या करें, उनके लिए क्या किया जाए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, और जो हमारे मुखिया हजरात हैं जो काम कर जिनको डेफिनेटली फंड करना चाहिए कि जो इस वक्त मुश्किल आवाम पे जो मुश्किल वक्त आया हुआ है तो इसमें से थोड़ा सा कैसे इसको निकला जाए। वो
उषा मुमताज़ साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट आपका इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों ने राशन को ख़रीद लिया, जमा कर लिया, मुझे आप एक बात बताएं, ये जो इम्पोर्ट होता है वो भी आपके सामने है और जो एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ जाएगा? तो देखिए, हमारे पास इतना कोई कम राशन नहीं है कि जो है हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट क्या बंद हो गया क्या? मुझे एक्सपोर्ट का है वो कहाँ गया? जो इम्पोर्ट हो रहा है वो तो इम्पोर्ट है, चले वहाँ मौजूद है ना, ये एक्सपोर्ट वाला कहाँ गया? तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपने मुल्क को खिलाने की कोशिश करें और कानून जो है वो थोड़ा सा वहाँ भी बात को जाहिर करें, उस बात को भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो आप चीज़ें करते हैं, आपका जो राशन है जो आप कह रहे हैं कम हो जाएगा, तो कम कैसे हो जाएगा? मैं तो नहीं मानता कम हो जाएगा, आप तो एक्सपोर्ट करने वाले लोगों में से हैं, आपको तो यहाँ से बहुत कुछ जाता है पाकिस्तान से। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास से अगर कोई राशन या कोई फ्रूट हम एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं तो दोनों सूरतों में हमारे पास किसी से किल्लत नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि जैसे कि आवाम, देखिए आवाम को भी चाहिए कि वो अपनी फोर्स के साथ, अपनी हुकूमत के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो अब तक चलती आ रही है, ऐसा नहीं है चंद एक लोगों के केसेस सामने आए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आवाम ने कुछ नुकसान कर दिया हो, हुकूमत का कहना ना माना हो। हुकूमत को चाहिए कि वो रिलीफ दे, अब किस सेंस में रिलीफ दे और किस हद तक रिलीफ दे, ये अगर आपके पास कोई प्लान होता, आपके पास कोई तबसरेकार होता, तजुर्बेकार होता रिलीफ देने वाले लोगों में से, तो फिर आप शायद जल्दी प्लान कर चुके होते हैं। अब तक तो आप लोगों ने रिलीफ दिया ही नहीं है ना, मसला ये है आप लोगों ने एक बिज़नेस किया है आवाम के साथ और उसके वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना आ रही हैं, आपको आज भी आप जो है वो ट्रीट करने के बजाय जो है वो ट्रीट हो रहे हैं और आपको फिक्र इस बात की लगी हुई है कि किस तरह से जो है ना वो हम पैसा बचा लें, हम किस तरह से आवाम से पैसा ले लें। स्कूल की फीस के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लोग देखें, अगर लोग कहते हैं कि स्कूल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी सैलरीज हैं, बिल्कुल हैं, उनका हक बनता है। जरा आप मुझे ये बताएं, जो पेरेंट्स अपने घर बैठे हुए अपने काम बंद करके और जिनके पास पैसे आते थे किसी काम की वजह से, वो काम बंद है ना, तो वो कहाँ से दें? क्या वो खरबों अरबों रुपये के मालिक हैं क्या? तो जो लोग अरबों खरबों रुपये के मालिक हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना यहाँ पे पाकिस्तानी होने का और इस नेशन का एक हक जाहिर करने वाला उनको साबित करना चाहिए ख़ुद को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को यहाँ पे अपना हीरोइज़म का एक्ट दिखाएं और उनको सैलरी दें, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों हज़ारों रुपये आप पूरा साल खाते हैं, कमाते हैं, और अगर आपके 2 महीने 3 महीने मुश्किल हालात में अगर आप अपनी आवाम को फैसिलेट कर लें, कोई बुरी बात नहीं है। और आवाम से मेरे जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि तमाम एहतियाती तदाबीर, चाहे वो फोर्स से जो है फोर्स के साथ चलने की बात हो, चाहे वो अपने हुकूमत के साथ चलने की बात हो, चाहे वो अपने घर बार अपने आस पड़ोस की बात हो, एक नेशन बन के एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें और बेहतर तरीके से अपने आप को बचाएं हर एतबार से, और एहतियात करें कि कहते हैं कि ये वायरस सिर्फ फैलेगा जब जब एक दूसरे से मुंतकिल होगा, वरना इसका अपना एक टाइम है। इंशाल्लाह हम वजू करने वाले कौम हैं, सफाई हमारा नफ्स ईमान है, तो हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है करोना वायरस का अटैक जो बाकी मुल्कों में हुआ है। तो मेरे कुछ जान पहचान के लोग भी हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने बताया कि कोई केसेस नहीं है अमेरिका के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और अभी तक कोई मौत की खबर जो है वो, एक वीडियो को बार बार तो चलाया गया है लेकिन बहुत सारी लाशों को अभी तक नहीं दिखाया, जो कहा गया है कि इतने सारे लोग मर चुके हैं, इतने पेशेंट दिखे नहीं अभी तक। देखें, मुझे तो ये केमिकल वॉर की तरफ की बात लग रही है, हमें अपनी कौम को आँखें खोलना चाहिए हमें, और हमें एक सिमट में एक साथ खड़े होकर, एक ताकत होकर हमें फैसला करना चाहिए कि अगर ये केमिकल वॉर है तब भी हम एक साथ हैं, और अगर ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है तो तौबा तो हमें करनी है, हमें एहतियात तो करनी है। दोनों सूरतों में हमें अमन की तरफ और अपने घर में बैठ के इसका जितना हो सके मुकाबला करना है, बाकी ये मुकाबला करना है मुकाबला करना है, मुझे नहीं पता मुकाबला क्या करना है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो मुकाबला कर लेंगे, और आप वजू करने वाले हैं, साफ रहते हैं और इफेक्टेड लोगों से मुलाकात कम है, इंशाल्लाह बच जाएंगे हम सब, कुछ नहीं होगा। और आखिर में मैं जो है चाहूँगा कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैं अपनी नाज़रीन को बताऊँ और उनको ये ट्रेनिंग बताऊँ कि जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। नॉर्मली लोग कहते हैं ट्रेनिंग करो इम्यून सिस्टम, देखिए ट्रेनिंग करने से हमारी अपर बॉडी स्ट्रांग होती है, हमारी इंटरनल बॉडी जो हमारी है उसका ताल्लुक कम है, एक्सटर्नल बॉडी का जो ताल्लुक है वो ज़्यादा, जो हम लोग नॉर्मली हम देखते हैं एक्सरसाइज वो एक्सटर्नल बॉडी की ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, वो एक रूटीन में टाइम पर जाके आप करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा इम्यून सिस्टम पर, तो हम यहाँ पे इम्यून सिस्टम की इंटरनल बॉडी के पार्ट्स की एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ बताएंगे। तो पानी का इस्तेमाल रखें, पानी गंदा ना हो, उसको बॉईल करें अगर नहीं है तो, और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोग्राम के एंड में कोशिश करूँगा कि मैं आपको फैसिलेट कर सकूँ ताकि आप बेहतर तरीके से अपने घर बैठ के जो मुश्किलात आवाम को हो रही हैं और वो नहीं बैठ पा रहे अपने घर में, वो इजीली अपने बच्चों के साथ गेम की शक्ल में इसे खेलें और बच्चों को भी कराएं, खुद भी करें, इंशाल्लाह ये रूटीन बन जाएगी, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी इम्यून सिस्टम के लिए। ये है मेरे पास।
बहुत शुक्रिया दानिश साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना हमें कीमती वक्त दिया क्योंकि आप एक बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। दोस्तों बिल्कुल आपने देखा कि इन्होंने जो आपको प्रिवेंशन जो एक्सरसाइजेज इन्होंने बताई हैं, अगरचे आप इसको वाकई फॉलो करें तो, और इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ये क्वारंटाइन हुआ हुआ है, लॉकडाउन हुआ हुआ है, जरूर आप इसको फॉलो करें, बल्कि आप इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं इसको आप अपनी डेली रूटीन पे लेके आए। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक दफा जब आप आ जाते हैं तो आपने देखा होगा कोई 7-8 मिनट की इनकी क्लिप है जो कि इन्होंने एक्सरसाइज करने का बताया आपको, इससे आपका पूरा एक बॉडी जो है वो कंप्लीट तरीके से एक एक्सरसाइज कर लेगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, जो कि बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। और इसी के साथ मुझको इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।